कटरीना और रणबीर का रोमांस चल रहा था तब दीपिका ने अपना दर्द छुपाया। वो बस एक मौका चाहती थी कटरीना को सबक सिखाने के लिए और मौका उन्हें मिल गया। प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में दीपिका ने 4 दिनों में फिल्म की डबिंग कंप्लीट की। प्रकाश झा इतने खुश हुए कि उन्होंने इनडायरेक्टली कटरीना से दीपिका को कंपेयर किया और अपने सोशल नेटवर्क पर लिखा, दीपिका ने डबिंग पूरी की सिर्फ 4 दिनों में। प्रकाश झा की राजनीति में कटरीना ने डबिंग के लिए पूरे 40 दिन लगाए थे। बाप रे। भले ही कटरीना ने दीपिका से रणबीर को छीन कर बाजी मारी थी लेकिन दीपिका ने प्रोफेशनली कटरीना से बेहतर काम करके उन्हें मात दी है। अब कटरीना के नेक्स्ट मूव पर टेंटलाइज की नजर है। मैं सपने में अक्सर देखता हूँ दीपिका और कटरीना मर्ड रेसलिंग करती हैं, लेकिन जब फाइट इंटरेस्टिंग मोड पर आ जाती है तो मेरा सपना टूट जाता है क्योंकि बीच में संजय लीला भंसाली रणबीर कपूर के साथ आ जाते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फाइट सिमी? This is hitting someone below the belt. बेचारी कटरीना, इतने साल से तो वो हिंदी सीखने की कोशिश में है और अगर अब वो 40 दिन लेती हैं तो हर्ज ही क्या है। फाइनली उन्होंने फिल्म में डायलॉग तो बोला और वो भी खुद से, नहीं तो कटरीना सिर्फ अक्षय के गले में हार की तरह पड़ी नजर आती थी। डोंट बी मीन टू कटरीना।